हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टॉकिन इंटरव्यूज फॉर नॉन नेट कैंडिडेट्स एंड नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं है, तो चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज नॉन नेट जो कैंडिडेट जिन्होंने नेट नहीं क्वालिफाई किए वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और साथ ही साथ जो नेट क्वालिफाइड हैं वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं सेम पोस्ट के लिए, पर दोनों की रेम्यूनरेशन मीन्स जो पेमेंट होगी वो अलग होगी। एप्लीकेशन फी नहीं है, तो देखते हैं लोकेशन क्या है और क्या। चलिए पहले मैं बता दूँ कि क्या वैकेंसी है। 8 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, उसके बाद 2 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, एंड देन यहाँ पर एक और है 1 प्रोजेक्ट फेलो की यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। तो टोटल 8 + 2 + 1 मीन्स यहाँ पर 8 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो वॉक इन इंटरव्यू, फिर 2 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो इन DEAA, 2 यहाँ पर 8 + 2 = 10 हो गए, और फिर एक और यहाँ पर एक और वैकेंसी है। तो टोटल 11 पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं, ये फिक्स पीरियड के लिए रिक्रूटमेंट है। तीनों के तीनों जो 11 पोस्ट्स हैं वो सभी टेम्पररी हैं, फिर भी कंसोलिडेटेड एंड फिक्स मंथली सैलरी मिल रही है। यहाँ पर नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नॉन नेट कैंडिडेट्स को अगर स्क्रीन थोड़ी मैं बड़ी करती हूँ, इसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है PDF की, पर आप देख सकते हैं नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 23,000 पर मंथ मिलेंगे। स्क्रीन पर आप देखें, नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 23,000 पर मंथ, 23,000 रुपये पर मंथ, और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 25,000 रुपीज़ पर मंथ, 25,000 रुपये पर महीने। एज लिमिट बिलो 40 इयर्स मीन्स 39 इयर्स के लगभग। यहाँ पर तीनों वैकेंसीज में 8 + 2 + 1 जो मैंने तीनों अलग अलग वैकेंसीज बताई, ये तीनों ही नॉन नेट कैंडिडेट्स भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी डाल सकते हैं। तीनों के तीनों ही टेम्पररी हैं। ये 2021 तक के लिए ये अपॉइंटमेंट्स होने वाली हैं। अब इनकी तीनों की मैं डिटेल आपको बता दूं, ये सभी के सभी न्यू दिल्ली में हैं। पहले मैं आपको बता दूं 8 जो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसा मैंने बताया, अगर नेट है या फिर विदाउट नेट कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन क्या क्या मास्टर्स के सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पहले 4 पोस्ट देखते हैं, सारी डिटेल आप देखें 11 पोस्ट की। अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक परमानेंट जॉब ना मिल जाए तब तक ये भी बुरी नहीं है। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स एजुकेशन में या फिर एजुकेशन में, हिंदी एंड बीई बिफोर मास्टर्स डिग्री, BEL ED, सोशल साइंसेस या साइंस एजुकेशन और एजुकेशन, या फिर इंग्लिश या कम्युनिकेशन एजुकेशन या लिंग्विस्टिक्स, इन सब में से किसी में भी मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ में, तो ये आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। या फिर डिज़ायरेबल में है BEd एटसेट्रा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो ये डिज़ायरेबल में नहीं भी है तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। MEd वगैरह, BEd वगैरह, ये डिज़ायरेबल में मतलब नॉट मैंडेटरी, नेट एंड नॉन नेट। सेकेंड जो है उसमें 2 और हैं, अभी 4 पोस्ट हमने देखे, फिर 2 पोस्ट हैं। इसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट, ECCE, साइकोलॉजी, होम साइंस वाले 55% मार्क्स के साथ में अगर PG हो गई है तो एप्लीकेशन डालें। 1 पोस्ट है वापस, इसमें मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, सोशल साइंस, एजुकेशन, जर्नलिज्म, लिंग्विस्टिक विद 55% मार्क्स वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक और पोस्ट है मास्टर्स डिग्री इन हिंदी, सोशल साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स वाले कैंडिडेट बिल्कुल डाल सकते हैं। ये डिज़ायरेबल मतलब मैंडेटरी नहीं होता है, अगर है तो अच्छा है, नहीं तो भी एप्लीकेशन नेट या विदाउट नेट वाले कैंडिडेट बिल्कुल डाल सकते हैं। आपने देखा कहीं भी नेट मेंशन नहीं था। दूसरी यहाँ पर देख लेते हैं, 2 फिर से 2 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर म्यूजिक वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। 1 पोस्ट है मास्टर्स डिग्री इन म्यूजिक विद मिनिमम 55% मार्क्स, और कम्युनिकेशन स्किल वगैरह मींस कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। तो
ये दोनों पोस्ट ही म्यूजिक वालों के लिए ही है, मास्टर्स डिग्री इन म्यूजिक जिनकी है वो कर सकते हैं। ये सभी ऑनलाइन इंटरव्यू होगी, तो यहाँ पर आपको आना नहीं पड़ेगा, जो टेम्परेरी बेसिस पर है। और 17 जून को टू प्रोजेक्ट ऑन टेम्पर फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन 17 जुलाई 2020 द क्राइटेरिया फॉर द, तो शायद 17 जुलाई 2020 को ही ऑनलाइन इंटरव्यू भी शेड्यूल्ड है। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाई अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट एंड ऑन 17 जुलाई 2020। तो ये वॉकिन है इसलिए। चलिए एक और पोस्ट है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एक और पोस्ट है, यहाँ पर भी JPF की भर्ती ही है, और ये जो है सिर्फ 31 मार्च के लिए, बाकी दोनों में ऐसा मेंशन नहीं है। वन ईयर भी हो सकता है। सैलरी दोनों की सेम है, अगर बिना नेट के है तो 23,000 प्रति माह, और अगर नेट है तो 25,000 रुपये, 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य में है मानविकी सामाजिक विज्ञान शिक्षा, मीन्स चलिए इंग्लिश वर्जन भी है, वो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अगर एजुकेशन में या ह्यूमैनिटीज़ में या सोशल साइंस में 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है जनरल कैटेगरी, और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 5% की रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं। डिजायरेबल एमएड बीएड एक्सेट्रा वो है। तो यहाँ पर मैं तीनों को बता दूँ, तीनों अलग अलग हैं, न्यू दिल्ली में है, और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन डालने की वो मैं आपको बता दूँ। जो पहली 8 पोस्ट है सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने हैं, किसी में भी आपको ऑफलाइन मोड में नहीं डालना है, ना ही कोई फी पे करनी है, विदाउट फी है सारे के सारे। तो पहले एक बार देख लेते हैं हम कि फीस एक्सेट्रा। हाँ, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव, ये तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग एड्रेस है, प्लीज अलग अलग ईमेल आईडी है, तीनों मर्ज ना करें। पहला 8 पोस्ट मैंने आपको बताया, फिर 2 पोस्ट एंड फिर 1 पोस्ट, तीनों के लिए अलग अलग है। ये पहला 8 पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर 10 जुलाई तक लेटेस्ट आपको सबमिट करनी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु फुलफिल द अबव कंडीशन में सेंड देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑन द ईमेल आईडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दिस 10 जुलाई। ये ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ पर आपको भेज देनी है अपनी डिटेल। चलिए दूसरी जो है एडवर्टीजमेंट उसकी भी देख लेते, कहाँ पर कैंडिडेट में सबमिट देयर बायोडेटा ऑनलाइन DEAA.NC ऑन और बिफोर 15 जुलाई। ये भी 15 जुलाई तक डाली जा सकती है, 2 पोस्ट वाली वैकेंसी है। और यहाँ पर जो 1 पोस्ट है समथिंग, इसके लिए लास्ट डेट दी हुई है, यहाँ पर देख लेते एक बार। हाँ, इसकी लास्ट डेट है 7 जुलाई 2020 तक, तो 7 जुलाई 2020 तक आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये भी आपको ईमेल आईडी पर ही डालनी है, बाकी जो भी है नो TA DA विल बी पेड। एक तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगी, बाकी जो है फेलोशिप इज प्योरली टेम्पररी, तो ये 1 ईयर के लिए भी हो सकता है, और एक जो है वो सिर्फ 31 मार्च तक के लिए है। तो ये तीनों की डिटेल आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर NCERT की, यहाँ पर टीचिंग वैकेंसीज भी काफ़ी सारी निकली हैं, और मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज हैं, जिनकी इंटरव्यूज़ पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया में अलग अलग सेंटर्स पे होंगी। बट यहाँ पर ये जो तीनों हैं जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, ये तीनों सिर्फ न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए ही हैं, लोकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी साइट पर जाके प्रोजेक्ट फेलो वैकेंसीज में आपको जाना है, और वैकेंसीज में जाके, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी करूँ अगर तो, यहाँ वैकेंसीज में आपको जाना है। एकेडमिक में टीचिंग पोस्ट के लिए वो ऑलरेडी वीडियो बनाई है, नॉन एकेडमिक भी देख सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैं बात कर रही हूँ प्रोजेक्ट स्टाफ की, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पर 8 पोस्ट है, यहाँ पर 1 पोस्ट है। एप्लीकेशन डालने के पहले थॉरली उसको ज़रूर रीड कर लें, इंस्ट्रक्शंस को। यहाँ पर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नॉन नेट कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और नेट कैंडिडेट्स भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नॉन नेट वालों को 23,000 रुपये प्रतिमा, और नेट वाले कैंडिडेट्स को 25,000 रुपये प्रतिमा, और ये टेम्पररी नेचर में है। पर जिनको अभी फुल टाइम जॉब नहीं मिली है, यहाँ पर ज़रूर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और लोकेलिटी में हो तो ज़रूर डाल सकते हैं। एड्रेस आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लें। इन सभी की लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस लिंक पे क्लिक करें, और प्रोजेक्ट स्टाफ में जाके इन तीनों पर क्लिक करके वन बाई वन आप चेक कर सकते हैं, और इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होने पर ज़रूर एप्लीकेशन डाली जा सकती है। होप ये सेशन इस तरीके के मैं और भी नॉन नेट या नेट कैंडिडेट्स के लिए जो इजी जॉब्स होते हैं,
विदाउट फी, विदाउट एप्लीकेशन फी, जो टेम्पररी बेसिस पर आप करना चाहें, तो मैं और भी जॉब्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर डिस्कस करूंगी। होप ये सेशन आप सबके लिए बेहद यूज़फुल रहा होगा। इस तरह के यूज़फुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।